इतने गहरे समुद्र के बीच में इंजीनियर्स पुल आखिर कैसे बना लेते हैं? जी हाँ, ये सवाल तो आपके मन में भी आया होगा, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की, तो कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे समुद्र के बीच में पुल आखिर कैसे बनाया जाता है, जिसमें पहला कदम ये होता है कि समुद्र के पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव का अध्ययन किया जाता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं। इसके बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है, जिसमें धातु से बने विशाल ड्रम यानी कि कोफर डैम को क्रेन की मदद से पानी के बीच रखा जाता है, बिल्कुल रिंग जैसा होता है, जिसकी वजह से आसपास का पानी चारों तरफ से बह जाता है और रिंग के जरिए समुद्र की जमीन दिखने लगती है। इस कोफर डैम के अंदर जाकर इंजीनियर काम शुरू करते हैं और इस पर पिलर खड़ा करते हैं। एक पिलर तैयार होने के बाद फिर क्रेन की मदद से कोफर डैम को उसके आगे लगाया जाता है और पानी सुखाकर दूसरा पिलर तैयार किया जाता है। बस इसी तरह से पूरा पुल तैयार हो जाता है। कभी आपने सोचा है जोंक पर नमक डालने से उसकी मौत क्यों जाती है, जबकि नमक में कुछ ऐसा तत्व नहीं पाया जाता जो किसी भी जीव की जान ले सके? तो आइए हम आपको बताते आखिर नमक से इनकी मौत क्यों जाती है। दरअसल आप लोग जानते होंगे जोंक ज्यादातर गंदे पानी में पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में लीच कहा जाता है। अगर आप इनके ऊपर थोड़ी सी भी नमक डाल देते हैं तो इनकी मौत कुछ ही मिनट बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर क्यों नमक से इनकी मौत हो जाती है। नमक से इनके मौत होने का सबसे बड़ा कारण इनके शरीर में मौजूद नमी है। जी हाँ, शायद आपको ना पता हो, इस तरह के जीवों को नमी यानी कि पानी की काफी सख्त जरूरत होती है, जिसके बिना ये किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रह सकते। यही कारण है जब आप इनके ऊपर नमक छिड़कते हैं तो इनके शरीर में मौजूद पूरे पानी को नमक सोख लेता है और शरीर में पानी की कमी की वजह से आखिर में इनकी मौत हो जाती है।